लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन सेज ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास इफ द नियर पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वर इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई एंड द लेंस इज होल्ड क्लोज टू द आई. कैलकुलेट फर्स्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, सेकंड एंगुलर मैग्नीफिकेशन, थर्ड फाइंड द एंगुलर मैग्नीफिकेशन व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी. फाइनल इमेज आपकी कहाँ पर बननी है? इन्फिनिटी पर बननी है. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? मैग्निफिकेशन लिख लीजिए. चलिए क्या लिख लीजिए? मैग्निफिकेशन. ठीक है, मैग्निफिकेशन दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन में देखिए बच्चों, आपसे क्या बोला गया? क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है इनकी, कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ गिवन करके कितने? 6.25 सेंटीमीटर. 6.25 सेंटीमीटर को देखिए आप 25/4 भी लिख सकते हैं. ठीक है, 25/4 सेंटीमीटर लिख लीजिए. ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा. इज यूज एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास इफ द नियर पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वर इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई. ठीक है, नियर पॉइंट कहाँ पर आपका देखिए? 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई. ठीक है, नियर पॉइंट आपको 25 सेंटीमीटर पर दे रखा है. ठीक है, तो बच्चों देखिए जो उसकी इमेज बननी होगी, ठीक है, वी वो कितना होगा आपका? -25 सेंटीमीटर आप यहाँ पर से लिख लीजिए. ठीक है, आई एंड द लेंस इज होल्ड क्लोज टू द आईज बोल रखा है ना. ठीक है, नियर पॉइंट -25 एंड द लेंस इज क्लोज क्लोज टू द आईज. कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बतानी है. ठीक है, तो बच्चों देखिए पहले तो आप यहाँ पर लेंस फॉर्मूला का यूज कर लीजिए. लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/v - 1/u किसके इक्वल होता है आपका? 1/f के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ से आपका यू के आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो 1/u किसके इक्वल होगा? 1/v - आपका 1/f के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, वी की वैल्यू कितनी है आपकी? -25, तो -1 25 हो जाएगा. फोकल लेंथ के लिए यहाँ पर आपकी 20, ये आपका 4/25 हो जाएगा फिर. ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? -5/25 के इक्वल. तो यहाँ से जो आपका यू आएगा, यू कितना आएगा आपका? -5 सेंटीमीटर के इक्वल. ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ गया यहाँ से आपका? -5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये तो आपसे पूछा था कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, तो 5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा. सेकंड पार्ट में बोल रखा है आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन बताना है. क्या एंगुलर मैग्निफिकेशन? ठीक है, देखिए क्वेश्चन में हमें नियर पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वर 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई दे रखा है. ठीक है, तो इसके लिए अगर हम यहाँ पर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करेंगे तो मैग्निफिकेशन देखिए किसके इक्वल होगा? एम इज इक्वल टू डी बाई यू के इक्वल होगा. ठीक है, और डी के आपके लीस्ट डिस्टेंस, ये कितना आपका? 25 सेंटीमीटर के इक्वल गिवन कर रखा है. ठीक है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है. यू के आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये 5 के इक्वल होगा. तो ये देखिए कितना जाएगा आपका? 25/5 5 के इक्वल हो जाएगा. तो आपका मैग्निफिकेशन 5 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, सेकंड पार्ट में हमसे ये पूछा था एंगुलर मैग्निफिकेशन. थर्ड पांचवा पूछ रहेगा फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन व्हेन द इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी. जब आपकी इमेज कहाँ पर बननी है? आपकी इन्फिनिटी पर बननी है. ठीक है, तो बच्चों देखिए इस केस में जो आपका मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है? जब आपकी इमेज इन्फिनिटी पर बनती है तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपका DYF के इक्वल होता है. ठीक है, डी तो आपकी देखिए लीस्ट, ये कितनी है आपकी? नियर पॉइंट कितना आपका? 25 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है. फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आपकी देखिए 25/4 के इक्वल है. तो यहाँ से 25/4 सेंटीमीटर ये हो जाएगा. ठीक है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 25 से 25 ऊपर जाके 4 हो जाएगा. तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर. ठीक है, तो ये आपके थर्ड पॉइंट का आंसर हो गया, जो व्हेन द इमेज इज फॉलोइंग एट द इन्फिनिटी. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.